कैप्टन किंग बाबर आजम ने पहले T20 मैच से पहले क्या कहा और पहले T20 मैच की प्लेइंग 11 और चेंजेस चलिए डिस्कस करते हैं। वी स्टार्टेड वेल बट वी वर स्लॉपी इन द फील्ड, वी हैड आवर अपॉर्चुनिटीज बट कुडंट कैपिटलाइज ड्यू टू आवर पुअर फील्डिंग, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड होपफुली नॉट रिपीट देम। यानी इन्होंने कहा कि हमने जो गलतियाँ की वनडे सीरीज में, हम लोगों ने बहुत बुरी फील्डिंग की, हम लोगों के जो चांसेस मिले यूटिलाइज नहीं किए, यानी अगर वो चांसेस हम यूटिलाइज कर जाते तो हम लोग जीत सकते थे अनफॉर्चुनेटली, मगर हमने ये चीज़ें नहीं की। अब इन्होंने कहा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है T20 सीरीज़ की सूरत में कुछ फ्रेश प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे हैं और हम लोग उनको चांस देंगे, और अब हमने अगर बदला लेना है वनडे सीरीज़ का तो वो हमारे पास T20 सीरीज़ है, वहाँ पे 100% दे सकते हैं और अपनी जो पुरानी मिस्टेक्स हैं उनको हम दोहराएंगे नहीं। वहीं प्लेइंग 11 जहाँ पे ये खुद बाबर आजम ओपन करेंगे, क्योंकि T20s के अंदर आप जानते हैं ये एज़ ए ओपनर खेलते हैं, वनडेज के अंदर वन डाउन पोजीशन पे खेलते हैं, मगर थोड़ी सी वहाँ पे भी सिचुएशन गड़बड़ है क्योंकि प्लेयर्स को काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी। जहाँ बाबर कैप्टन खुद ओपनर आ जाएंगे, इनके साथ पुराने पिछले 6 महीनों से ओपनिंग कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, शजील खान की पोजीशन डिस्टर्ब होगी जहाँ पे ये वन डाउन पे चले जाएंगे, प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ क्योंकि अब T20 सीरीज़ के अंदर आएंगे, सो फ़खर जमान की पोजीशन भी इस लिहाज से डिस्टर्ब होगी क्योंकि एज अ ओपनर खेलते हैं टीम में, मगर छठी पोजीशन कन्फर्म है सोए मकसूद की। एज अ आर राउंड रशद दाव खान की अब एंट्री नहीं होगी बल्कि इमाद वसीम होंगे, आपके आर राउंडर हसन अली शामिल होंगे, फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी, इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, PSL का सीज़न का बहुत अच्छा रहा, लेग स्पिनर उस्मान कादिर ये भी अच्छी फॉर्म में है। वहीं अगर देखा जाए पाकिस्तानी टीम की जो प्लेइंग 11 है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वनडे की निस्बत, यानी T20 सीरीज़ जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्या जीत पाएंगे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा।